हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कल मेरा डीवी है जमालपुर में, ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस सेशन 2021-22 का। तो मैं आज घर से निकलने वाला हूँ रात 9 बजे। उसके बाद आपको दिखाते हैं पूरा जर्नी। तो गाइस, मैं आ गया हूँ स्टेशन पर। यह मेरा लोकल स्टेशन है बांधपुर। तो यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ूँगा, उसके बाद आसनसोल पर ट्रेन चेंज करूँगा। आसनसोल से क्यूल जंक्शन तक डायरेक्ट जाऊंगा। मेरा ट्रेन आने वाला है अभी, इसलिए प्लेटफॉर्म चेंज कर रहा हूँ। सीढ़ी से भागते भागते आया हूँ। बहुत चलिए उतरते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। गाइस, मैं आ चुका हूँ, बैठ चुका हूँ अभी प्लेटफॉर्म पर, 2 नंबर पर। यहीं से गुजरती है आसनसोल की ट्रेन। आसनसोल जाने वाली ट्रेन सब 2 नंबर से जाती है बांधपुर स्टेशन पर। और अभी बैठे हुए हैं, देखते हैं कब तक आती है हमारी ट्रेन। फ़िलहाल तो मैं अपने साइड पर सिंगल अकेला हूँ। तो गाइस, मैं आसनसोल पहुंच गया हूँ। ये आसनसोल जंक्शन है, यहाँ से ये मेन स्टेशन है हमारे एरिया का। यहाँ से मैं जाऊँगा अभी ट्रेन पकड़ के आसनसोल से क्यूल जंक्शन। आपको दिखाते हैं आसनसोल स्टेशन। तो मैं आसनसोल स्टेशन के अंदर एंट्री कर रहा हूँ। तो अभी मैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा हूँ।
मुजफ्फरपुर कोलकाता तिरहुत एक्सप्रेस 5 नौपुर प्लेटफॉर्म में दाड़ी आछे। कृपया ध्यान दीजिए 1315 मुजफ्फरपुर कोलकाता। अरे पूरी सब्जी अचार मिर्च गरम खाना है, गरम खाना पूरी सब्जी अचार मिर्च पूरी गरम है। हो कितना गरम पूरी है, गरम पूरी है। हेलो गाइस, तो मैं जा रहा हूँ अभी डीवी के लिए जमालपुर के पास लाइब्रेरी में। मेरे साथ एक दोस्त है, कहाँ से हो भाई तुम? महाराष्ट्र से, नागपुर। महाराष्ट्र नागपुर से आया है, ये डीजल मैकेनिक ट्रेड से है। और भी दो दोस्त मिले हैं मुझे, उन लोग इलेक्ट्रिशियन से हैं, आपको परिचय करवाते हैं बाद में। हम लोग अभी डीवी के लिए जा रहे हैं जमालपुर स्टेशन से। आपको जमालपुर दिखाते हैं ऊपर से। ये ओवरब्रिज है, पटना दर्शन।
और दोस्तों यह है जमालपुर कारखाना, देख लीजिए बाहर से। पेट्रोल पंप जमाल, यह है कारखाना वाला गेट, इधर से देखिए आप लोग। नीचे पेट्रोल पंप भी है, अगर किसी को पेट्रोल भरवाना हो तो गाड़ी में। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हैं रास्ता, इधर से इधर एकदम सीधा चलिए। यहाँ पर आपको एक ऑडिटोरियम जैसा हॉल दिखेगा। भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण संस्थान जमालपुर, रेलवे इंजीनियरिंग। किधर जाना है? इधर चलो, यहाँ से आप लोग मेन रोड पकड़ लीजिएगा। मेन रोड होते हुए आपको दिखाते हैं पूरा एकदम। टैंकी दिखा दें, बुखार है, बुखार। देखिए रेलवे का तो गाइज ये हमारा डीवी
में जाने के लिए एंट्री गेट है, मतलब इसी गेट से आपको एंट्री करना पड़ेगा। बगल में देख लीजिए आप, बोर्ड लिखा हुआ है NRTI जमालपुर, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जमालपुर, और इधर है गेट। तो गाइस हम लोग एंट्री कर चुके हैं अपने मेन गेट पर, मेरे साथ और तीन लड़के हैं। हाय कर दो जरा, जरा सा हाय कर दो। हाय, तो आपको दिखाते हैं पूरा एकदम जमा। देखिए यह है लोकोमोटिव वर्कशॉप जमालपुर ईस्टर्न रेलवे। मेरे दोस्त लोग भी अभी फोटो खींच रहे हैं, देखिए। यहाँ पर बहुत सुंदर गार्डन है, आपको दिखाते हैं। नहीं हुआ, हाँ इसका हमको कोई खींचना नहीं पड़ा। हाँ ये इधर से लेते हैं, पूरा आ जाएगा। कहाँ है ये? देखो थोड़ा इधर आ जा, डब्बा के अंदर। हो गया। तो गाइस हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, डीवी यूनिट की तरफ, जहाँ पर डीवी हो रहा है। पीछे बहुत फोटो खींचे हैं, आपको दिखाएंगे वीडियो में। यह है हमारी वंदे भारत रेल इंजन कारखाना जमालपुर। ईस्टर्न रेलवे इंटर कॉलेज रामपुरा कॉलोनी जमालपुर 2212।
कहाँ जा रहे बे गाड़ी में? गेट नंबर एक है, पता दो। गाइस इधर गेट नंबर एक है और इधर देखिए सब लड़के लोग जा रहे हैं डीवी के लिए, सब भी आए हैं। ईस्टर्न रेलवे लोकोमोटिव वर्कशॉप जमालपुर, ओल्डेस्ट रेलवे वर्कशॉप इन एशिया इन सर्विस टू द नेशन। आपको जाना है इसके अंदर, अभी मैं आपको अंदर का प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा, आपको अंदर का प्रोसेस बाद में दिखाया जाएगा, बाद में बता दूंगा। तो गाइस यहाँ पर 50 रुपये जमा लिया जा रहा है और एक फॉर्म भी दिया जा रहा है। गेट से आप जैसे एंटर करेंगे उसके बाद सीधे यहीं पर आएंगे। दोस्तों यहाँ पर सब कोई फॉर्म फिलअप कर रहा है। तो गाइस फाइनली मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है आज, 4:30 बजते हुआ है। आखिर तक मज़ा भी आया, बहुत अच्छे तरीके से ये लोग करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एकदम बैठा के। अंदर लाइब्रेरी है उसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। चलिए आपको जमालपुर दिखाते हैं वर्कशॉप। ये है वागन रिपेयर वर्कशॉप 2। बहुत बड़ा वाक्य है, यहाँ से ट्रेन भी गुजरती है।
यह है डीजल पीओ एच का।